अरे क्या हुआ भाई? क्या हुआ क्या? जल्दी नीचे आता हूँ। आया बापू जी, आया। अरे भाई क्या हुआ, आप सब लोग ऐसे यहाँ क्यों खड़े हैं? सब ठीक तो है? पोपटलाल, तो ये पोपटलाल जी हैं? जी जी, मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ। आप कौन? मैं आरजी भाई हूँ। पोपटलाल, मुझे बकरा बनाने के लिए तुमने इसका फोन किया था? अरे हाँ, वो प्रोग्राम तो मैं सुन ही नहीं पाया। मैं सुबह वो फोन में रेडियो सुन रहा था तो अचानक मेरा फोन हैंग हो गया। मैंने दो तीन बार स्विच ऑन स्विच ऑफ किया, बाद में जाके चालू हुआ, लेकिन तब तक ये प्रोग्राम निकल गया था। कैसे रहा जेठा, मजा आया? दोस्तों, भाई सब पूछ रहे हैं कैसा रहा, मजा आया? आइए दिखाते कैसा मजा आया। आइए जरा, आइए, आओ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, क्या हुआ? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था, मतलब ये क्या कर रहे हैं आप लोग? गुस्से में क्यों देख रहे हैं? अरे ये आप लोग ऐसा क्यों घूम रहे हैं भाई? मैंने सच में हल्का फुल्का मजाक करने के लिए कहा था। ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तो बेटा सुन, Who are you, sir? सॉरी सॉरी चाचा जी। ये क्या सॉरी बोल के फाइन? मेरी वजह से आपको और आप सबको तकलीफ झेलनी पड़ी। वायु, ये वायु अक्कल वक्कल है कि नहीं? कोई ऐसा मजाक करता है? तमीज नहीं है तुम्हें? अरे उसे क्या कह रहा है, उसे क्या कह रहा है? उसने जो भी किया तुम्हारे कहने पे किया ना। पोपटलाल, तुम्हें ऐसा भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से बापू जी को इस उम्र में जुए के अड्डे पे जाना पड़ा। और मेरे जैसे रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट को भी जुए के अड्डे पे जाना पड़ा। क्या सैलरी का नहीं बोला ना? हाँ, और तुम्हारी वजह से मेरे एक दिन की सैलरी कटी वो। अरे भाई, मैंने जुए वाला मजाक करने को नहीं बोला था। मैंने तो एकदम निर्दोष वाला मजाक करने को बोला था। लो, चल चल। मैंने निर्दोष वाला मजाक ही किया था, लेकिन बीच में फोन कट हो गया तो निर्दोष वाला मजाक दोषी हो गया। जेठालाल, चाचा जी, मेहता साहब, भिड़े सोडी, हाथी भाई, यार भाई, देखिए मेरा इरादा आप सबको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी वजह से आप सबको जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए मैं दिल से आपकी माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, आज तूने हद पार कर दी, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, और इसलिए मैंने तय किया है कि आज के बाद मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। अरे चाचा जी, सेम सेम बापू जी, सेम, आज से मैं भी इसके साथ कभी बात नहीं करूंगा। और अब्दुल, अगर ये सोडा शॉप पे आए ना तो हमको जरा फोन करके बता देना, हम नहीं आएंगे। अरे जेठालाल, ऐसा मत करो भाई। अरे जेठालाल, अरे आप लोग समझाइए भाई। ओ पोपटलाल, जेठालाल बिल्कुल सही कह रहा है, हमसे बात करने की कोशिश भी मत करना, तुम कोई बात नहीं करेगा। बिल्कुल मेहता साहब, मेहता साहब। अरे पोपटलाल, आज के बाद मेरे से भी बात नहीं करना, मोबाइल पर भी नहीं। अरे यार भाई, यार भाई, यार भाई, आप तो समझिए बात को। हाथी भाई, देखिए देखिए, आप तो समझदार हैं, आप समझाइए ना सबको। अरे सोडी भाई, सोडी, हमने कितनी बार ये रेडियो बकरा प्रोग्राम सुना है, साथ में सुना है, कितनी बार सुना है? पोपटलाल, तो पूछ रहा है या बता रहा है? अरे भाई पूछूंगा क्यों, बता रहा हूँ भाई। तू इन सबको बता कि ये जो प्रोग्राम है रेडियो बकरा, उसमें निर्दोष मजाक होता है, और तेरे इस निर्दोष मजाक की वजह से हम सबको जुए के अड्डे पे जाना पड़ा। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। सॉरी सॉरी। भिड़े भिड़े मेरे भाई, देख, तू शिक्षक होने के साथ साथ सोसाइटी का सेक्रेटरी भी है,
तू सोसाइटी में ये सब कैसे चलने दे सकता है भाई? तू समझा, सबको समझा कि सब मुझसे बात कर, समझा? समझाता हूँ। मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ ना, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि आज के बाद सोसाइटी का कोई भी सदस्य पत्रकार पोपटलाल से बात नहीं करेगा। आज से नहीं, अभी से ही गोकुलधाम सोसाइटी का हर सदस्य पोपटलाल का सामाजिक बहिष्कार करता है। अरे बहनों, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग प्लीज मेरे भाइयों को समझाइए कि मुझसे बात करें, प्लीज। सॉरी पोपट भाई, जो इन सब का मानना है ना, हम सब का भी वही मानना है। वेरी सॉरी पपिता जी। पोपट भाई, वी आर वेरी सॉरी, पर आपने ये गलत किया। भाभी नहीं, अजय भाभी। अरे पोपट भाऊ जी, आपकी वजह से आज क्या से क्या हो जाता। माधवी भाभी, इसीलिए हम में से कोई आपसे बात नहीं करेगा। ऐसा मत कीजिए। गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्य महिलाओं समेत यंता विजय सो, विजय सो, विजय सो। भाई शांति रखो भाई, क्या विजय सो? अरे 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 अय्यर भाई, अय्यर भाई प्लीज, आप तो सीनिंग। हेलो हेलो अय्यर भाई। अरे हाथी भाई, अरे चाचा जी, आप तो, मैं सब आप तो समझिए। अरे अब्दुल भाई, तू तो सुन सुन। अरे सोड़ी सोड़ी प्लीज, मेरे भाई सोड़ी भिड़े, प्लीज भिड़े भिड़े भिड़े। माधवी भाभी, देखिए आपके पोपट भौजी के साथ क्या हो रहा है। अरे पिताजी, अरे प्लीज प्लीज, रोशन भाभी, कमल भाभी, देखिए आपको, देख। अरे अंजी भाभी, आप तो समझिए। अरे कोई तो सुनो, अरे भाई कोई तो सुनो। अरे 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 भाई, चल घर चल घर चल। हाँ हाँ बाबूजी, चलिए। अरे ऐसे मत जाइए, देखिए। अरे देखिए प्लीज। अरे भाई सोड़ी भिड़ा, अरे भाई तुम लोग तो समझो हाथी भाई। अरे कोमल भाभी, अरे मेहता साहब, अंजी भाभी, अरे अरे अय्यर भाई, बबीता जी, अब्दुल, अरे अब्दुल भाई तू तो सुन। अरे अरे कहाँ जा रहे सब लोग, प्लीज ऐसे मुझे छोड़ के मत जाइए। अरे मुझसे बात कीजिए। अरे गोकुलधाम सोसाइटी के सिवा मेरा और कोई नहीं है, आप ही सब मेरा परिवार हो। अरे आपसे बात नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? अरे आप लोगों के बिना मैं अकेला पड़ जाऊंगा। कोई तो सुनो, अरे सुनिए ना। भगवान, ये क्या हो गया? क्या हुआ? आप सब मुझे देख के हंस क्यों रहे? जैसा को तैसा मिला, बकरा बनाया, बड़ा मजा आया। आप सब मुझे बकरा बना रहे थे? हाँ जी। पोपटलाल तो मुझे पूछ रहे थे ना, कैसा रहा? मजा आया, मजा आया। अभी तुम बताओ कैसा रहा, मजा आया? अरे भाई मेरी तो जान ही निकल गई थी, ऐसा मजाक करता कोई? अरे भाई हमारे साथ जो मजाक हुआ उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, सस्ते में छूट गए तुम। सही बात है। जैसे मुझे पता चला कि तुमने मुझे बकरा बनाया है, उसी वक्त मैंने मन में ठान ली थी कि अब तो मैं भी तुम्हें बकरा बना के रहूंगा। एग्जैक्टली। और आप जब तक ऊपर से नीचे आ रहे थे तब तक जेठा जी ने हम सबको पूरा प्लान समझा दिया था। और प्लानिंग के मुताबिक हमने एक्टिंग की। हाँ यस, मान गया आप लोगों की एक्टिंग को, सबने बहुत बढ़िया एक्टिंग की, एकदम अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दिया। लेकिन आइंदा बात ना करने वाला मजाक मत कीजिएगा। आप लोग मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं। अरे भिमरे, अरे तू तो भावुक हो गया है। अरे हम सब मजाक कर रहे थे, जैसे तूने मजाक किया वैसे हम सब लोग मजाक कर रहे थे तेरे साथ। अरे मैं एक बार तुझे छड़ी से मार सकता हूँ, लेकिन तुझसे बात करना कभी बंद नहीं कर सकता, समझा? पोपट भौजी और हम बहने भी आपसे बिना बात किए कभी रह सकती है? कभी भी। All is well that ends well. Thank God, सब कुछ अच्छा हो गया।
तो मैं चलूं और सारे किस्से के लिए फिर से सॉरी। अरे भाई क्या बोल दिया ना सॉरी, एक बार अभी सॉरी वॉरी छोड़ो, घर चलो चाय वाय पी के जाओ। नो नो थैंक्स, फिर कभी। हाँ पांडे साहब। मेहता जी तेरा जेठालाल को फोन देना। जेठा इंस्पेक्टर चालू पांडे। हाँ जी पांडे जी बोलिए बोलिए। जेठालाल जो आदमी तुम्हारे घर पर फोन कर रहा था ना उसका पता चल गया है, उसका नाम है YURJ है ना? तुमको कैसे पता चला? अरे हमारे सामने ही खड़ा है वो। लेकिन सच कहूं चालू पांडे जी, इसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। उसका तो प्रोग्राम आता है रेडियो पे वो बकरा बनाने का, तो उसने क्या एक हल्का फुल्का निर्दोष मजाक किया था, लेकिन वो बापूजी ने गुस्से में फोन तोड़ दिया ना, उसमें मजाक जरा सीरियस हो गया। मतलब तुमने ये केस भी सॉल्व कर लिया? नहीं नहीं हमने किया नहीं, अपने आप हो गया। चलो पांडे जी। हेलो 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 थैंक यू। तो आप लोगों की इजाजत हो तो मैं चलूं? बस जाना ही है। अरे जेठालाल वायु कब कहां रुकी है? और हाँ रेडियो पर मेरा प्रोग्राम सुनना मत भूलिएगा। पकड़ा वाला ना तो मस्त सस्त हो तो ओके। आज पूरा दिन इतनी भागा दौड़ी की ना तारक आप लोगों ने, इसलिए सर पकड़ लिया होगा। क्या कर रहे हैं आप? पर भाई बोलने का मन ही नहीं कर रहा है, सुबह से भाग दौड़ में इतना थक गए, उसके बाद बीवी के हाथ से सर की मालिश, मजा आ गया। थैंक यू। यू वेलकम तारक। तुम तो वेलकम कर रही हो अंजलि, पता नहीं बॉस कैसा वेलकम करेगा कल ऑफिस में। ये जेठालाल रोज कोई ना कोई मुसीबत लेकर आया था, रोज मैं उसकी मदद करने जाता हूँ और रोज झूठ बोल के छुट्टी लेनी पड़ती है। पता नहीं बॉस कैसा हाल करेगा, कहीं मुझे सचमुच ही हमेशा के लिए छुट्टी न दे दे। तारक एक राज की बात बताऊं, ये जो ऊपर वाला है ना वो सबसे बड़ा बॉस है, वो सब देखता है कौन किसकी मदद कर रहा है कौन नहीं। सो डोंट वरी, जब तक ऊपर वाला बॉस मेहरबान है ना तो नीचे वाले बॉस की हमें क्या चिंता। क्या बात है भाई, बड़ी फिलोसफी, आज तो कमाल की बातें कर रही हैं आप। हैं लेखक की बीवी बातें इतनी अच्छी अच्छी करने लगी, आप इतनी अच्छी बातें कर रही हैं कि आपके लिए दो लाइनें कहने का मन कर रहा है। इरशाद इरशाद, अरे जिंदगी को सवारा है आपके साथ है, दिनों को निखारा है आपके साथ है, यह टूट बंधन यूं ही बना रहे, वहीं आपका हाथ रहे हमारे हाथ में। डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे ये तो कमाल का वाक्य बोला भिड़े, क्या अक्सर लोग पहले डिस्टर्ब करते और फिर बोलते हैं डिस्टर्ब तो नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। बैठो आती भाई। सॉरी अंजलि बाबी सब आ गए आपके घर में एकदम। अरे यू गाइस आर मोस्ट वेलकम, बट आप लोग अचानक यहाँ? वो अंजलि बाबी दरअसल बात यह है कि अब्दुल आज किसी शादी में गया हुआ है तो उसकी दुकान बंद है, तो हम सब सोच रहे थे कि आज सोडा पार्टी कहाँ की जाए, तो सात में से छह लोगों ने बोला कि मेहता साहब के यहाँ पे की जाए। भाई ये सातवां ऐसा कौन है जिसने मना किया? आप। ये सही है सही है, हम सब लोग यहाँ पर आ तो गए हैं लेकिन अंजलि भाभी का परमिशन होगा तो ही हम लोग यहाँ पर थोड़ा पार्टी करेंगे ना। वाह बहुत जल्दी पूछा आपने यार भाई, सोफे में आराम से बैठने के बाद पूछ रहे हैं। जेठा भाई इसमें परमिशन की क्या जरूरत है, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ आप सबको रोज किसी न किसी के घर पे जाके ही सोडा पार्टी करनी चाहिए, ताकि महिला मंडल भी आपके साथ इन्वॉल्व हो सके ना। ओ ना जी ना, ऐ तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? मुझे घर से बाहर निकलने के लिए तो सोडा पार्टी करते हैं। अभी सोडा पार्टी घर में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सही बात है। हाँ बीवियों की बुराई नहीं हो पाएगी है ना। अरे आप लोग इतना सीरियस क्यों हो गए? मैं मजाक कर रही हूँ। ऐसा मजाक करती हूँ अंजलि, सबको डरा दिया तुमने भाई। Exactly तारक, आप सबका ये जो डर है ना वही हम पत्नियों की ताकत है। आप सब बैठ के एंजॉय कीजिए, मैं ग्लासेस और नींबू लेके आती हूँ ठीक है।
दोस्तों मैं क्या कहता हूँ, मेरे घर पे जाके बैठते अंजलि बाप यार डराने के मूड में है। अरे नहीं, चला अंजलि का मंतव्य वो नहीं था, उसने बोला वो मजाक कर रही थी। नहीं नहीं को कुछ नहीं है मेहता साहब, हम तो क्या सोडा पी के चले जाएंगे, फिर वो मजाक आपको कहीं भारी ना पड़ जाए। यार डराओ मत यार जेठालाल, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे भाई अब मैं इत्मीनान से बैठ गया हूँ, और अब कोई भी प्रोग्राम तब चेंज होगा जब ये पोपटलाल मुझे अकेले खड़ा करे। सीधा सीधा बोल दो ना डॉक्टर आदि, ये आपको कोई प्रोग्राम चेंज नहीं करना। सही बात है, लेकिन दोस्तों एक चीज समझ में नहीं आई, इतनी देर से ये जनाब पोपटलाल जी चुपचाप क्यों बैठे हुए, इनकी जुबान पे ताला क्यों लगा हुआ भाई? वो इसलिए मेहता साहब क्योंकि आज की जो सोडा पार्टी है वो पोपटलाल की तरफ से है। सोडा के जो भी पैसे खर्च हुए वो पोपटलाल की जेब से निकले। नहीं मैं नहीं मानता, पॉसिबल ही नहीं। पोपटलाल ने पैसे खर्च किए? नहीं संभव। ये चमत्कार हुआ कैसे भाई? दबे चमत्कार हुआ नहीं है मेहता साहब, हमने करवाया है। कैसे? क्या आज जो कुछ भी हुआ ये सब पोपटलाल की वजह से हुआ, इसलिए भाई मैंने बोला कि भाई आज की सोडा पार्टी भी पोपटलाल को ही देनी चाहिए, इसलिए जबरदस्ती सोडा के पैसे इससे दिलवाए। जबरदस्ती बाकी सवाल ही नहीं। अरे क्या नहीं नहीं, अरे क्या जबरदस्ती क्या भाई, अरे मैं दिल से सबके लिए सोडा लेकर आया हूँ, जितनी पीनी है पीजिए, अगर खत्म हो गई तो मैं और सोडा लेकर आऊंगा। देखो तो वो डॉक्टर साहब जरा चेक तो करो, माशी की तबीयत तो ठीक है ना, इधर आइए। अरे क्या करो पोपटलाल, मुंह खोलो मुंह खोलो, अरे मुंह खोलो भाई। मजाक की भी हद होती है भाई। अच्छा जी, तो ये लिमिट तब कहाँ गई थी जब आपने अर्जे वायु को मुझे बकरा बनाने के लिए फोन किया था? एक तो मोरे की अयर भाई, दोनों एक ही थाली का चट्टे पट्टे हो। मैंने क्या किया है? अच्छा मैंने क्या किया? अरे आप ही तो थे सुबह से सबको बोल रहे थे ये जेठालाल जुआरी है, रोज जुआ खेलता है। अभी जेठालाल जैसा मेरे को लगा वैसा मैंने बोला, अभी इसमें गलत क्या है? क्या बोलो, इनको इसमें कुछ गलत ही नहीं लग रहा है। वो छोड़ो यारो, वो हम लोग यहाँ पे मिलके एंजॉय करने आए हैं तो चलो एंजॉय करते हैं। अब आप लोग आराम से अपनी सोडा पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं माधवी भाभी से मिलके आती हूँ। हाँ अरे अंजलि तुम्हें ऐसे बहाना बना के जाने की जरूरत नहीं है, तुम भी हम लोगों के साथ बैठ सकती हो भाई। मैं यहाँ रहूंगी तो ये सब लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अरे किसको अनकंफर्टेबल फील होगा भाई, दोस्तों बताओ अनकंफर्टेबल फील होगा क्या? देखा तारक, ये खामोशी मुझसे कह रही है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। बात नहीं है, जो आपको ठीक लगे। एंजॉय एंजॉय। थैंक यू। अरे क्या हो मेहता साहब, क्या कर रहे हैं आप भाई, बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़े जा रहे हैं आप? अंजलि बाबी के सामने ही पूछ रहा है आपने, तो धर्म संकट में डाल दिया हमको। ये तो अच्छा नहीं लगता ना जेठा, ऐसे डायरेक्ट बोल देता तो थोड़ा सा समझो यार। तो कोई गल नहीं यारो, और ग्लास भी है, नींबू भी है, और अपने यार भी है, चलो सोडा बनाते हैं। हां चलो सोडा निकाल, हां सोडा कटिंग करने के लिए दो। अय्यर भाई रुकिए रुकिए, आज पहला ग्लास पोपटलाल उठाएगा क्योंकि भाई पैसे उसने खर्च किए हैं। करेक्ट करेक्ट। हाँ भाई हमारे आज के स्पॉन्सर यही है। आते भाई इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया, लेकिन दोस्तों आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि एक बार मेरी शादी हो जाने दीजिए, रोज आप सबको सोडा पिलाऊंगा। मतलब हमको सोडा के पैसे देने पड़ेंगे? मतलब कुछ नहीं पोपटलाल, और मतलब तो तुम समझते ही हो। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं समझता हूँ, आप समझाइए मतलब। तो मतलब ये है कि ये सब मतलब छोड़ो, उठाओ ये सोडे का जाम हम सबकी दोस्ती के नाम। दोस्तों के साथ की बात ही कुछ और है। अरे सवाल ही नहीं। अरे आप कहाँ जा रहे? एक मिनट आइए आइए। जुए के अड्डे पे जाना, हम सबका फेस बदलना, पुलिस की भागदौड़, चाचा जी से डांट पड़ना और फिर पोपटलाल से मजा। क्या क्या नहीं देखा हम लोग,
सब कुछ देख लिया, बहुत सारी भागदौड़, लेकिन अंततः राहत की सांस। वैसे एक बात बताऊं, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बहराने जैसी स्थिति यही, क्योंकि इतनी सी मजाक और इतनी सारी भागदौड़, लेकिन अंत भला तो सब। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, अभी गोकुलधाम में किसी के मोबाइल फोन पे मुसीबत का मिस्ड कॉल आने वाला है। किसका फोन है, क्या मुसीबत है, ये आज आपको नहीं बताऊंगा, उस हेतु आपको सोमवार को यहाँ आना पड़ेगा। आइए और देखिए मुसीबत क्या। लेकिन मुसीबत की परवाह मत कीजिए, क्योंकि आपके जीवन के मोबाइल पे हंसी का रिचार्ज लेके आ रहे हैं हम, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.